नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? एक नंबर हो ना भाई। तो बाकी क्या चल रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंदौरी भाषा ही है हमारी, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। जितने भी मेरे इंदौर के भाई बंधु उन्हें पता होगा भियोराम ये इंदौर में ही चलता है। तो आज के टारगेट्स 85th डे के CGL की जो हमारी 2024 की टारगेट सीरीज है उसका देखो, ये टारगेट्स जो मैं आपको बना के देता हूँ ना आप इनको फॉलो करो। और आप, मैं बता रहा हूँ, जो ये 150 डेज की सीरीज़ फॉलो करेगा ना उसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा फ्री में, है ना। तुम 5,000-6,000 रुपये कोर्स खरीद रहे हो जिनका कोई सेंस नहीं बनता है ना। मैंने पता चला तो कुछ लोग बता रहे हैं कि कोई टीचर मैट्रिक एडवांस हाथ में चला रहा है। बिगनर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना। ये कोई पिक्चर नहीं है जो आपको सिर्फ देख के और आपको कंप्लीट करना है, आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी, ठीक है। तो 85th डे के टारगेट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उठते से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आप 15 एडिशन करते हो, 15 मल्टीप्लिकेशन करते हो, स्क्वायर लिखते हो 160 तक, क्यूब लिखते हो 130 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखते हो, पाइथागोरस ट्रिपल लिखते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दिखता है ना उगता हुआ सूरज, दिख रहा है ना पीछे, ऐसे तुमको भी उगना है एक दिन, और वो उसको भी उगने के लिए तपना पड़ता है, तो तुमको भी तपना पड़ेगा। वोकैब की बात करूँ, 750 से लेकर 800 तक की वोकैब आपको कंप्लीट करनी है। एंटो सिनो ईडियम वन वर्ड स्पेलिंग, ये किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से कर सकते हो, हम किरण को फॉलो करते हैं जनरली। सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा दिन है आज, अगले 4 दिन और ट्रिग्नोमेट्री को दिए जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा दिन, अगले 2 वीडियो और नियरली 50 क्वेश्चन किरण की किताब से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप उसके क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। मैथ्स के बाद इंग्लिश की बात करें तो क्लोजेस्ट कॉम्प्रेंशन अगले 4 करना है, PQRS अगले 15 करना है, आप सभी को पता ही है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर और फिलअप अगले 10-10 करना है। रीडिंग मत बंद कर देना। आप समझो मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ रीडिंग पे इतना, मैंने वीडियो भी बना के बताया कि रीडिंग आपको एक अकेला वीडियो में देखोगे ना तो कितने सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए वो वीडियो, ठीक है। आगे बात करें अगर इंग्लिश के बाद GK की, परमार SSC का 16 नंबर का वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक आपको रिवीजन करनी है आज और कल, अब 2 दिन, ठीक है। आगे बात करें अगर क्विजेस तो लगानी है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की एक क्विज किसी भी हालत में लगानी है आपको, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी हालत में लगाओ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। आगे बात करें अगर रीजनिंग की 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट लगाना है, प्लस काउंटिंग ऑफ फिगर्स हमारा चल रहा है, वो आपको कंपलसरीली करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ED में जाना इतना आसान नहीं है, आपको अच्छा काम करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो किसी भी हालत में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है ना आपका तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं किसी से पूछ के आपको बता दूंगा उसमें क्या है क्या नहीं है। किसी भी हालत में अपना टारगेट कंप्लीट करके वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।